मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर का चैट शो कॉफी विद करण काफी पसंद किया जाता है। इस शो में फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सेलेब्स आते हैं, काउच पर बैठते हैं और कॉफी पीते हुए अपनी जिंदगी के कई राज खोलते हैं। इस शो का 7वां सीजन शुरू हो चुका है। इस बार ये टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया है। शो के पहले एपिसोड में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट नजर आए हैं, जो कि काफी पसंद भी किए जा रहे हैं। इसी बीच इस शो को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि करण के इस शो में आने से आलिया भट्ट के पति रणबीर कपूर ने मना कर दिया है। उन्होंने करण के ऑफर को ठुकरा दिया है, जिसकी एक बड़ी वजह सामने आई है। रणबीर कपूर ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 7 में आने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना है कि ये शो उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। रणबीर कॉफी विद करण सीजन 5 के 4th एपिसोड में नजर आए थे, तब उन्होंने रणबीर सिंह के साथ काउच शेयर किया था। वहीं करण ने अब खुलासा किया कि रणबीर ने एक शर्त रखी थी कि अगर वो उस शर्त को मान लेते हैं तभी वो इस शो का हिस्सा बनेंगे। रणबीर कपूर की शो में गैर मौजूदगी के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने एक लीडिंग वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहा, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं कुछ कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए ये भी कहा कि अगर तुम मुझे उतनी फीस दोगे जितनी तुम ले रहे हो तभी मैं आऊंगा। करण ने आगे कहा, मैंने कहा मैं तुम्हें क्यों पे करूंगा, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करने वाला। मैं आपको उन फिल्मों के लिए काफी पेमेंट दे रहा हूं जो आप कर रही हैं और मैं इसका सम्मान करता हूं, सिर्फ इसलिए कि वो करीबी दोस्त हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए। अगर तभी आना चाहिए जब वो आना चाहते हैं। बता दें, करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में बनी रणबीर और आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र लगातार चर्चाओं में है। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म इसी साल 9 सितंबर को रिलीज होगी। इसके अलावा रणबीर के पास शमशेरा है, जो इसी महीने की 22 तारीख को रिलीज होगी। इसमें वाणी कपूर और संजय दत्त भी हैं। वैसे करण जौहर के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।